नमस्ते दोस्तों, मेरे पेशाब के सिम्टम्स के अंदर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं और उसके अंदर पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब बार बार आना, रात को पेशाब के लिए उठना, पेशाब में जलन जैसे चार पॉइंट्स हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसके दिए गए वीडियोस लिंक्स में हैं और प्लेलिस्ट में हैं, जिनको आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है पेशाब की धार पतली है या पेशाब जो है वो बहुत पतली धार से आता है। तो अगर आपका पेशाब जो है बहुत पतली धार से आता है, आपको पेशाब की धार को मोटा करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, पेशाब जो है वो खुल के नहीं आता, तो ये जो दिक्कत है इसको बोलते हैं थिन स्ट्रीम या ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो, मतलब पेशाब जो है वो पूरा खुल के नहीं आ रहा। और इसके तीन कॉमन कारण होते हैं। नॉर्मली पेशाब की धार पतली होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पेशाब के रास्ते में रुकावट है। अब वो रुकावट हो सकती है कि वो पेशाब की जो नली है उसमें हो, जिसको स्ट्रिक्चर बोलते हैं। स्ट्रिक्चर मतलब पेशाब की नलकी में घाव बन गया है या पेशाब की नलकी पतली हो गई है। या दूसरा ऑप्शन होता है कि जो गदूद है और मतलब जो प्रोस्टेट है, जो मसाने का मुंह है, वो प्रॉपरली नहीं खुल रहा है और उसको ना खुलने की वजह से जो पेशाब है वो मोटी धार में नहीं आ पा रहा। ये तो दो कॉमन कॉज हो गए। इसके अलावा एक और कारण है पेशाब की धार पतली होने का, वो ये है कई बार जो मसाना है या पेशाब की थैली है वो पूरा जो जोर नहीं बना पाती। पूरा जोर ना बनाने के कारण भी कई बार पेशाब जो है मोटी धार में नहीं आता और पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर, और ये नॉर्मली उन लोगों में होता है जिनके अंदर कोई ना कोई नस के अंदर प्रॉब्लम है। ये नस के अंदर प्रॉब्लम या तो डायबिटीज़ से हो सकती है, ये नस के अंदर प्रॉब्लम या तो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कमज़ोरी आने से हो सकती है, ये नस की प्रॉब्लम जो पेशेंट्स है दिमाग के, या पेशेंट्स जिनको पहले स्ट्रोक हुआ है या माइलाइटिस हुआ है उन पेशेंट्स को, या जिनको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है उन पेशेंट्स में हो सकता है। कई बार ये सिर्फ जो है नस की वीकनेस से होता है, मतलब जो मसाने की जो नसें हैं वो पूरी तरह काम नहीं करती, तो उसके अंदर भी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। पर एंड ऑफ द डे हमें मरीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो नॉर्मली जब पेशेंट आते हैं पेशाब की पतली धार की प्रॉब्लम लेके, तो उसके साथ में हमें ये भी जानना पड़ता है एज अ यूरोलॉजिस्ट कि उसको साथ में और क्या प्रॉब्लम्स है। हो सकता है पतली धार के साथ में पेशेंट को पेशाब में जलन हो, तो हो सकता है कि कोई पथरी फंसी हो या कोई इन्फेक्शन हो या कोई स्ट्रिक्चर हो। हो सकता है कि पेशाब की पतली धार के साथ मरीज़ को पेशाब रुक रुक के आ रहा हो, एक बार में धार पूरी ना बन रही हो, टूट टूट के पेशाब आता हो, पेशाब का पूरा जोर ना बनता हो। तो इसमें हो सकता है कि पेशेंट को प्रोस्टेट की दिक्कत हो, या पेशेंट को प्रोस्टेटाइटिस हो, या पेशेंट को मसाने की नसों में कमी हो। हो सकता है कि पतली धार के साथ पेशेंट को पेशाब में खून भी आए, तो यूटीआई हो सकता है, कैंसर हो सकता है। हो सकता है कि पेशेंट को पतली धार के साथ में जो है पेशाब बार बार आ रहा हो, रात को उठ रहा हो, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, तो इसमें हो सकता है कि पेशेंट का पेशाब पूरा तरह रुक चुका है, रिटेंशन में है, या पेशेंट का जो है मसाना पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। तो नॉर्मली सिर्फ एक सिम्टम पेशाब की पतली धार से हम डायग्नोसिस नहीं बनाते। नॉर्मली जो हम एज अ यूरोलॉजिस्ट हम नॉर्मली मरीज़ के जो है 8 से 10 सिम्टम्स, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई, अर्जेंसी हो गई, रात को उठना हो गया, जलन हो गई, पेशाब की धार हो गई, पेशाब का टूटना हो गया, वो सब एक साथ जांच के उसकी लिस्ट बना के, और मरीज़ की एज, मरीज़ के अदर फैक्टर्स, पहले कोई सर्जरी हुई है, हाइपोस्पेडियास तो नहीं है, लिंग का साइज़ क्या है, कब्जी तो नहीं है, कोई कमर में चोट तो नहीं लगी, मरीज़ की बॉडी वेट कितना है, मरीज़ को कोई टेस्टिस में दिक्कत तो नहीं है, स्पर्म कितना आता है, तो ये सारे सिम्टम्स को मिला के फाइनली हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि हाँ, मरीज़ की पेशाब की दिक्कत या तो स्ट्रिक्चर से है, या प्रोस्टेट से है, या मरीज़ की पेशाब की दिक्कत जो है वो उसके मसाने की वीकनेस से है। एक बार हमको ये दिख गया कि हाँ ये दिक्कत है, उसके बाद इसके कुछ टेस्ट होते हैं जो बता पाते हैं हमें कि दिक्कत एग्जैक्टली है कब। इन टेस्ट्स के बारे में मैंने पहले भी बात की है, जैसे RGU, यूरोफ्लोमेट्री, अल्ट्रासाउंड, पर मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें 3 या 4 टेस्ट होते हैं। पहला होता है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री मतलब पेशाब के धार का टेस्ट। इसमें हम मरीज़ को एक मशीन के अंदर पेशाब कराते हैं, चेक करने के लिए कि उसके पेशाब की धार की स्ट्रेंथ या उसके पेशाब के धार की जो फ्लो या स्पीड है वो कितनी है। दूसरा है RGU। RGU मतलब लिंग के रास्ते का एक्सरे। इसमें हम उसकी पेशाब की नलकी में दवाई डाल के चेक करते हैं कि पेशाब का जो रास्ता है वो बंद तो नहीं है, जो डाई है या जो कंट्रास्ट है या जो रंगीन दवाई है वो कहाँ तक जा रही है, और रुकावट कहाँ कहाँ पे है। हो सकता है हमको मरीज़ की सिस्टोस्कोपी करनी पड़े। सिस्टोस्कोपी मतलब कि पेशाब के रास्ते की दूरबीन की जांच, जिसके बारे में मेरा वीडियो है। हो सकता है मरीज़ का अल्ट्रासाउंड कराना पड़े, देखने के लिए कि मसाने का अंदर पेशाब रुक तो नहीं रहा,
कितना पेशाब पड़ा है, मसाने की जो मोटाई है कितनी है, प्रोस्टेट का साइज़ कितना है। तो इन टेस्ट और इन इन सिम्टम्स के बाद नॉर्मली हम काफ़ी हद तक बता सकते हैं कि मरीज़ को प्रॉब्लम है क्या। अगर मरीज़ को स्ट्रिक्चर है तो उसका इलाज बहुत ही सिंपल है, या तो दूरबीन से खुलेगा, या उसमें यूरेथ्रोप्लास्टी होगी, या एक नया जो टेस्ट या एक नई जो हम एक सर्जरी जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसको बेसिकली हम लोग रीजनरेटिव थेरेपी बोलते हैं, वो हम उसके अंदर कर सकते हैं। अगर मरीज़ को प्रोस्टेटाइटिस है तो उसके अंदर मसाज है, इंफ्रारेड थेरेपी है, उसके अंदर दवाइयाँ है, एक्सरसाइज है, जिससे मरीज़ को फ़र्क पड़ता है। अगर मरीज़ का गदूत बढ़ा हुआ है तो गदूत को मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं, या गदूत को सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। अगर मरीज़ का मसाना कमज़ोर हो गया है तो कमज़ोर मसाने को ठीक करने के लिए या तो मरीज़ को हम दवाई दें, या उसके नसों को ठीक करें, या मसाने को स्ट्रॉन्ग करें। तो जो भी है, मतलब तीनों ही कंडीशन, स्ट्रिक्चर, प्रोस्टेट या ब्लैडर, तीनों कंडीशन में दवाइयाँ भी है, सर्जरी भी है, जिससे मरीज़ को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। 90% पेशेंट्स में अगर हमें कॉज पता चल गया तो ट्रीटमेंट सिंपल है, ट्रीटमेंट कंप्लीट है और मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। 10% पेशेंट्स में कई बार, क्योंकि बहुत दिनों से प्रॉब्लम इग्नोर्ड है, क्योंकि बहुत दिनों से मरीज़ प्रॉपरली इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इलाज करने के बाद भी फ़ायदा मिलने में थोड़ा समय लगता है। तो अगर आपको पेशाब की धार पतली आती है तो आप ये भी देखें कि आपको पेशाब के और क्या क्या सिम्टम्स हैं। पेशाब के और सिम्टम्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी दी हुई प्लेलिस्ट में आप बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आप में ये सारे सिम्टम्स हैं तो अपने पास किसी भी अच्छे क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर आप दिल्ली या आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और आप मुझे दिखाना चाहें तो आप क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं। सारी टेस्ट की सुविधा अवेलेबल है और आपको एक हम अच्छा इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पूछिए। अगर आपको डाउट है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फ़ोन नंबर पर भी कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।